झारखंड राज्य जनसेवक संघ की ओर से राजधानी रांची की राजभवन के पास अपनी 18 सूत्री मांगों को लेकर राज्य भर से आए जनसेवकों ने धरना दिया। इस धरना के माध्यम से जनसेवकों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष विनम्रता पूर्वक आग्रह किया। संघ के महामंत्री ने कहा कि कृषि विभाग के द्वारा ग्रे पर घटाने को लेकर जो पत्र निर्गत किया गया है उसे निरस्त किया जाए। कृषि विभाग द्वारा जनसेवकों का ग्रेड पे कम करने को लेकर के जो आदेश निर्गत हुआ है उसके विरोध में हम लोग जो है कि यहाँ पर आए हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि कृषि विभाग ने जो जनसेवकों का ग्रेड पे 2400 से घटा करके 2000 करने का जो आदेश निर्गत किया है उसको तत्काल रद्द किया जाए। ये किसी कहीं भी जो है कि हमारे लिए जो है कि संवर के लिए हित में नहीं है। और इसके अलावा हमारा 11 सूत्री मांग है जो पहले से भी चला आ रहा है, उन मांगों के भी को भी सरकार पूरा करे, विभाग को विभागों से पूरा करे। हम लोग जो है कि 28 तारीख से इधर कार्मिक आंदोलन कर रहे हैं। 28 को हम लोगों ने कृषि निदेशालय में धरना दिया, उसके बाद जिलों में धरना दिया, आज हम लोग राजभवन में धरना दिए हैं। इसके बाद 8 तारीख को सभी जिलों में मशाल जुलूस निकलेगा। इसके बाद अगर 8 तारीख तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो 9 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले जाएंगे। हम लोगों का बस ये मांग है कि सरकार ने जो ये तुगलकी फरमान जारी किया है कि हम लोगों का जो नियुक्ति हुआ 2400 ग्रेड पे हुआ, उसके बाद 11 साल हम लोगों को वेतन देने के बाद जो ये तुगलकी फरमान जो जारी कर दिया कि आप लोगों का ग्रेड पे 2000 किया जाता है, तो हम लोग जो मांग करते हैं कि ये जो आदेश सरकार निकाली है इसको तुरंत निरस्त करें। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।